साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजून क्लासेस में। शुरू से ही हम आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल यानी कि 24 जून को एक अहम सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो उत्तर कुंजी प्रकरण में शामिल है। आपको बताते चले, कल जो 24 जून को सुनवाई है वह अमिता त्रिपाठी के नाम से केस लिस्टेड हुआ है। संभवतः कल इसकी सुनवाई हो। और आपको इसी क्रम में हम बताते चले कि ऋषभ मिश्रा की जो याचिका है उसकी सुनवाई कब होगी। दोस्तों आपके सवाल काफ़ी आए कि ऋषभ मिश्रा की याचिका की सुनवाई कब है, तो आपको बताते चले इससे संबंधित अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना ना तो टीम द्वारा दी गई है, ना ही किसी प्रकार की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। हम आपको बताते चले कि ऋषभ मिश्रा की याचिका की सुनवाई कब तक होगी, इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी होगी वह तुरंत आप तक अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन कल एक अहम सुनवाई है, एक अहम मुद्दा है जो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा काफ़ी बच्चों के भविष्य पे, क्योंकि इसके पहले सिंगल बेंच से ऋषभ मिश्रा की जो याचिका थी उस पर UGC को रिपोर्ट भेजने का आदेश हुआ था, जिसे डबल बेंच में चैलेंज की सरकार, और सरकार को भर्ती करने का आदेश मिल गया था कि आप भर्ती कर सकते हैं। उसी के एवज में ये टीमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे आ खड़ी हुई हैं, जिसमें ऋषभ मिश्रा की एक टीम और अमिता त्रिपाठी की एक टीम और अन्य तमाम टीमें जो है जुटी हुई हैं, जिसमें से एक टीम की जो केस है वो लिस्टेड हो गई है अमिता त्रिपाठी के नाम से, जिसकी सुनवाई संभवतः कल हो। और ऋषभ मिश्रा की याचिका की सुनवाई कब होती है इसके बारे में जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है वो आप सब तक को अवेलेबल करा दी जाएगी। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।